दोस्तों आप लोगों ने सऊदी के रियाद और जिद्दा को कनेक्ट करने वाली जो रोड्स हैं उन पर इस तरह से सऊदी एयरलाइंस के बड़े बड़े प्लेन्स को ट्रेला के ऊपर लाद कर लोड करके ट्रांसफर होते हुए देखा होगा, या फिर इस चीज को आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ कि आखिर रियाद सीजन किस बला का नाम है और इतने बड़े प्लेन्स को ट्रेला पर लाद कर आखिर क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रियाद सीजन के बारे में। दोस्तों अगर अपनी आसान भाषा में समझें तो रियाद सीजन सऊदी अरब के रियाद में लगने वाला एक ऐसा मेला है जिसका मकसद है एंटरटेनमेंट और दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना। इस मेले की खास बात यह है कि दुनिया भर के सेलिब्रिटीज और परफॉर्मर्स को इसमें इन्वाइट किया जाता है, वो लोग आकर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पर स्पोर्ट इवेंट कराए जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है फूड फेस्टिवल। दुनिया भर का फेमस खाना आपको इस मेले में मिल जाएगा। इसे 2019 में स्टार्ट किया गया था। ये भी सऊदी के विजन 2030 का एक हिस्सा है और इसका मेन मकसद है दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, और यही है रियाद सीजन। तो इन प्लेन्स को जो जेद्दा से रियाद लाया जा रहा है तो इनका मेन मकसद है रियाद सीजन में डेकोरेशन। जी हाँ दोस्तों, इन प्लेन्स को एज ए डेकोरेशन यूज किया जाएगा और रियाद सीजन में इन प्लेन्स को कैफे, रेस्टोरेंट और म्यूजिक थिएटर के रूप में यूज किया जाएगा। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि इनको फ्लाई करके क्यों नहीं लाया गया, उड़ा करके भी तो ला सकते थे, तो ये प्लेन्स रिटायर्ड हो चुके हैं। 4-5 साल पहले ही इनको डिसेंबल किया गया था, इनके इंजन्स वगैरह खोल लिए गए थे, इनके जो इम्पोर्टेंट सेंसर होते हैं वो निकाल लिए गए थे और उसके बाद ये वही जिद्दा एयरपोर्ट पर खड़े थे। अब इनको ट्रेला के थ्रू रियाद लाया जा रहा है और रियाद सीजन में इनको एज ए डेकोरेशन यूज किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर रियाद सीजन क्या है और इन प्लेन्स को ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है। अगर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट।